शाहिद की पहली फिल्म इश्क विश्क के पूरे हुए 20 साल। चॉकलेटी बॉय से एंग्री मैन कबीर सिंह तक हर कैरेक्टर ने कमाया प्यार। बॉलीवुड एक्टर शाहिद कपूर की जबरदस्त फैन फॉलोइंग है। भले ही शाहिद कम फिल्में करे या फिल्मों से दूरी बना ले, फैंस के दिल में शाहिद के लिए खूब प्यार है। एक और जहां शाशा अपनी अगली फिल्म पर काम कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उनकी पहली फिल्म को लोग याद कर रहे हैं, क्योंकि आज शाहिद की इस फिल्म के 20 साल पूरे हो गए हैं। ये फिल्म शाहिद के लिए खास है, क्योंकि इसी फिल्म के जरिए उन्होंने फिल्मी दुनिया में कदम रखा था। यानी आज शाहिद ने इंडस्ट्री में एक्टर के तौर पर 2 दशक पूरे कर लिए हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि केन घोष ने इस फिल्म के लिए पहले ऑडिशन में शाहिद को रिजेक्ट कर दिया था। केन घोष जब इस फिल्म के लिए लीड हीरो की तलाश कर रहे थे, तो शाहिद ने भी फिल्म के लिए ऑडिशन दिया था। शाहिद के लुक को देखकर केन घोष कुछ खुश नहीं थे और उन्होंने शाहिद को ना लेने का मन बनाया था। लेकिन किन्हीं कारणों से ये फिल्म 1 साल के लिए रुक गई। ऐसे में शाहिद को अपनी फिजिक पर काम करने के लिए मौका मिल गया। उन्होंने खुद पर काम किया और एक बार फिर फिल्म के लिए ऑडिशन दिया। इस बार केन घोष को इम्प्रेस करने में शाहिद सफल हो गए और फिल्म के लीड हीरो बन गए। शाहिद के लिए ये फिल्म टर्निंग पॉइंट साबित हुई। वहीं फिल्म के 20 साल पूरे होने पर शाहिद ने एक मीडिया हाउस से बात की और बताया कि इश्क विश्क के शूट का पहला दिन था, मैं बहुत नर्वस हो गया था। पहले शॉट के लिए करीब 11 से 15 रीटेक हुए थे। मैं पहली फिल्म के दौरान हर दिन ही नर्वस रहता था। शाहिद की पहली फिल्म के बाद उनका करियर आसमान छूने लगा था। उनके पास कई सुपर हिट्स थी। 20 सालों के अब तक के करियर में चॉकलेटी बॉय के नाम से मशहूर शाशा कबीर सिंह के गुस्सैल कबीर भी बने, जिसे ऑडियंस से बेशुमार प्यार मिला। हाल ही में शाहिद की पहली वेब सीरीज फर्जी रिलीज हुई, जिसे भी काफी प्रेज किया गया। सोशल मीडिया पर शाहिद की वाइफ मीरा ने शाहिद के सिनेमा में 20 साल कंप्लीट होने पर एक पोस्ट भी शेयर किया है, जिसमें 20 ईयर्स की डेकोरेशन की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, E24।